बदनसीब लड़की। स्नेहा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सौला था, नाग नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब स्नेहा छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाती, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ स्नेहा से और स्नेहा माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर के आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ स्नेहा के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब स्नेहा को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद के लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनुष्य बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोगों को बोलने से क्या होता है, तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद स्नेहा जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उसे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशी थी स्नेहा की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोग को जो स्वाद आता था वह उनको खुश कर जाता। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थी। स्नेहा की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वो हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से स्नेहा अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिस भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नए पकवान बनाना सीखना हो तो वह स्नेहा के पास आती और स्नेहा भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी स्नेहा के हाथों का वह जादू जो सबको खुश कर जाता वह कोई ना सीख पाता। स्नेहा की जिंदगी इन्हीं चढ़ाव उतारो के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ पापा ने जी तोड़ कोशिश करके एक फैमिली को स्नेहा को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का स्नेहा को देखने आने वाला था। स्नेहा को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उसे पूछे पता नहीं क्यों माँ पापा लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने स्नेहा को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन स्नेहा सुबह सुबह ही लड़के वाले आने से पहले ऐसा समझ कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खुटी सुना गए थे। वैसे भी पापा को स्नेहा पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत से उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने स्नेहा का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनुष्य बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज रहने वाली माँ आज खुद स्नेहा से नाराज हो गई थी और वह अब स्नेहा के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले स्नेहा घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। स्नेहा माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि स्नेहा अपने मुँह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खुटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि स्नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही ही थे, तुम सच में मनुष्य हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी स्नेहा की तरफ नहीं देखा था। स्नेहा माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में तो ना जान हो लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। स्नेहा ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे स्नेहा ने सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। एक दो मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो स्नेहा के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि स्नेहा ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामा रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर स्नेहा पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो उसे बेहोश हुई थी।
माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी स्नेहा के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े 5 लाख का चेक और 5 स्टार होटल के शेफ की नौकरी के लिए एक कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जब स्नेहा अपने हाथ में लाई थी। माँ और पापा वह चिट्ठी खोलकर पढ़े जो उसने अभी भी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बटोस्ट मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर दी है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ता ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़ी बातों। मैंने अपने दिल पर ली थी क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर नहीं देते। माँ के प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी इसलिए मुझे किसी और की जरूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं अब दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसे औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ती पढ़ती माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे डूब गए थे और बेहोश पड़े स्नेहा के सर पर हाथ फेरते फुट फुट कर रो रहे थे।